हाय एवरीवन, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। देखिए, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं बोला आपने से। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलता अगर तो अपन एनसीएन बाय टू बोल देते इवन के केस में। बाइनोमियल कोफिशिएंट तो यही बड़ा होता है ना इवन के केस में, और ऑड के केस में क्या होता है, एनसी एन प्लस वन बाय टू या एनसी एन माइनस वन बाय टू। पढ़ चुके ना ये तो अपन। बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात थोड़ी कर रहा है वो, आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहा है, और वो भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे। क्या बोला मैंने, नहीं सुना? सुना आपने लेकिन समझा नहीं। किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे मतलब क्या हो गया इसका, देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि इफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री, इफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, find the greatest term in the expansion of 1 plus 4x की पावर में 8। ठीक है, समझेंगे ज्यादा, लिखेंगे थोड़ा कम। find the greatest term in the expansion of 1 plus 4x की पावर 8। देखो क्या हो रहा है ना, मैं आपको समझाता हूं। जब अपन इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे, 8 प्लस 1 9, नाइन टर्म्स आएंगे। उन नाइन टर्म्स में, उन नाइन टर्म्स में आपको क्या ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है जब एक्स का वैल्यू वन बाय थ्री हो। मतलब इसका क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको एक बार एक्सपेंड करके देखो। पहला एक्सपेंशन क्या जाएगा, एट सी नॉट, एट सी जीरो इंटू फोर एक्स की पावर में जीरो। अगला क्या आएगा, एट सी वन फोर एक्स की पावर में वन। फिर आएगा एट सी टू फोर एक्स की पावर में टू। 8c3 4x की पावर में 3, है ना, समझ में आ रहा है। मैं 8c4 भी लिख देता हूँ, 4x की पावर में 4। और ऐसा चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा, ये 8c8 तक चलेगा। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, अपने को क्या बोला, x का वैल्यू आपको रखना है, और x का वैल्यू रखने के बाद भी आपके पास टर्म्स तो टोटल 8 प्लस 1 मतलब 9 टर्म्स रहेंगे। नहीं सुना किसी ने, फिर से सुनो। x का वैल्यू 1 बाय 3 रखना है आपको, उसके बाद भी आपके पास टर्म्स तो यही रहेंगे सारे, उनमें आपको ग्रेटेस्ट टर्म बताना है। मतलब 8c0 4, x की जगह क्या रखना है आपको 1 बाय 3, तो मतलब 4 बाय 3 की पावर 0 आ जाएगा। अगला क्या आ जाएगा, 8c1, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे अपन, 1 बाय 3, मतलब फिर से 4 बाय 3 आ जाएगा। फिर 8c2 4 बाय 3 का होल स्क्वायर, 8c3 4 बाय 3 का क्यूब। फिर आएगा 8c4 4 बाय 3 की पावर 4। एट सी एट 4 बाय 3 की पावर में 8। ठीक है, अच्छा आप लोग लिखे यहां तक, चलो लिखो 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 लिखो। अभी मैंने आप लोगों के मन की बातें, मन की बात समझते हो गए आप लोग तो, है ना, तो मन की बातें हम भी कर सकते हैं। देखो मन की बात यह है कि हर किसी को लगता है कि 8c4 सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन लेकिन क्या है ना कि 4 बाय 3 की पावर 4 भी यहाँ पे चिपका हुआ है। आगे वाले टर्म में 8c5 आएगा जरूर, 8c5 छोटा होगा 8c4 से, लेकिन उसका कोफिशियंट जो होगा ना 4 बाय 3 की पावर 5 होगा, तो इसने थोड़ा सा और वेटेज बढ़ा दिया होगा, है ना, हो सकता है। और उसके आगे क्या होगा, 4 बाय 3 की पावर 6, ये 1 से बड़ा नंबर है, 4 बाय 3 जो है इट इज ग्रेटर देन 1, और 1 से बड़े नंबर की पावर में अगर आप 5 6 डालते हो तो वो और बड़ा होता है, है ना। फिर अपन मान लो 8c8 तक पहुंचते हैं, तो 8c8 तो बहुत छोटा है, इट इज 8c0 के बराबर, लेकिन 4 बाय 3 की पावर 8 काफी बड़ा है। बट क्या हो रहा है ना कि बैलेंस हो के कुछ ना कुछ अपना नंबर आ रहा होगा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो हो सकता है कि ये ओवरऑल उतना बड़ा ना हो। तो अपने को ये बताना है कि चलो ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 बाय 3 रखने पर, एक्स की वैल्यू 1 बाय 3 रखने पर कौन सा टर्म सबसे बड़ा आ रहा है। ठीक है, एक नजर में आपको पहले लगता है कि 8c4 होना चाहिए, 8c4 इंटू 4 बाय 3 की पावर 4, बट ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज ये 4 बाय 3 ने यहाँ पर खेल बिगाड़ रखा है। 4 बाय 3 विल डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स।
तरीका क्या होता है, स्टैंडर्ड तरीका, स्टैंडर्ड वे टू फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। देखो लिखो यहां पे, हम लोग क्या बोलेंगे ना कि लेट लेट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बी, लिखो लेट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है ना, कि प्लस माइनस भाड़ में गया, अपने को सिर्फ और सिर्फ प्लस देखना है। बाय चांस कोई टर्म नेगेटिव आ जाए, जैसे मैंने अगर यहां पर एक्स की जगह -1/3 रखा होता तो ये ऑड वाले टर्म्स नेगेटिव आ रहे होते, ऐसी कह रहा हूँ एक एग्जाम्पल, बट उससे अपने को मतलब नहीं है। आपको तो क्या बोला है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब साइन वाइन को हटा दो, मॉड लगा दो, मॉड लगाने के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किस में सबसे बड़ा आएगा। हमने बोला लेट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बी टी आर प्लस वन, ठीक है, हमने बोल दिया कि ये है सबसे बड़ा टर्म न्यूमेरिकली टी आर प्लस वन। अगर ये सबसे बड़ा टर्म है न्यूमेरिकली, एक मिनट रुक जाओ, ये ऑटो को जाने दो यहां से, बहुत देर से शोर कर रहा है। ओके लेट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बी दिस, अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है ना, तो करने का तरीका स्टैंडर्ड वे टू फाइंड एनजीटी क्या होता है, आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को उसके जस्ट पहले वाले टर्म से, टी आर प्लस वन से जस्ट पहले कौन सा टर्म रहा होगा, टी आर, उससे बड़ा मान लो या बराबर भी हो सकता है, तो एक थोड़ा सा अपन बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। कभी कभी दो टर्म्स बराबर भी हो जाती है ना, मैं बताऊंगा आपको ऐसे क्वेश्चंस। तो हमने बोला कि ठीक है जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है वो है टी आर प्लस वन, और अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो इसके जस्ट पहले वाले टर्म से ये बड़ा होगा, है ना। और हम देख लेते हैं कि आर की किन वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, समझ में आ रहा है। तो हमने बोला टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन टी आर को सॉल्व कर लेते हैं, कुछ ना कुछ आर मिलेगा अपने को, ठीक है। क्या आप टी आर प्लस वन, आर प्लस वन एथ टर्म तो लिख सकते ना आप, हर किसी को मैंने सेकेंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, 8 CR × 4x की पावर में R, बिल्कुल भी फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए बेटा, लेकिन यहाँ पे ना मॉड लगाना पड़ेगा अपने को, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड वाइज कौन सबसे बड़ा होगा, तो अपने एक मॉड जरूर लगाएंगे, ठीक है। 8 CR × 4x की पावर R, और टी आर कैसे लिखेंगे, टी आर लिखने में भी देखो आपको फड़फड़ाहट तो होगी क्योंकि मैं आप लोगों को जानता हूं, तो देखो इसको ऐसा लिख देंगे अपन, है ना। देखो इधर देखो, इधर नहीं देख रहे हो, इधर देखो R−1 + 1, क्योंकि यार मसाला प्लस वन होना चाहिए, मेरे को इतना पता है। तो ये हो जाएगा 8 CR − 1 × 4x की पावर में, क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर जो R होता है वो यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे R−1 है, तो यहाँ पे R−1 ही आएगा, कोई फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब लेकिन ना x की वैल्यू अपने को 1/3 तो रखना ही है, x की वैल्यू अपने को 1/3 रखना ही है, तो हमने क्या बोला x की वैल्यू यहाँ पे 1/3 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू 1/3 रखी, फिर हमने बोला कि सर ये एनसीआर जो होता है ना वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एनसीआर हमेशा पॉजिटिव, कभी नेगेटिव आया NC0, कोई भी आपके पास कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर एनसीआर ही कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। आपने इतना सॉल्व किया PNC, आपको कभी नेगेटिव नहीं दिखा होगा। फिर ये 4/3 की पावर R, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। 4/3 की पावर में R करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे R आप पावर नेगेटिव क्यों ना डाल दो, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो LHS में पॉजिटिव लिखा है, तो मॉडुलस विल ओपन एज इट इज। अरे पॉजिटिव नंबर की पावर में आप कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, जीरो भी नहीं मिलेगा। अरे किसी की पावर में कुछ भी डालोगे कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट जीरो आ जाएगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा कभी भी, ऐसी बता रहा हूं मैं, तो नेगेटिव तो दूर की बात है। तो ये मॉड एज इट इज खुल जाएगा, और यहाँ पे भी ये तो पॉजिटिव हो गई है, कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर है, और ये क्या है 4/3 की पावर में समथिंग, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये वाला मॉड भी एज इट इज खुल जाएगा। किस्मत अच्छी थी कि मॉड आपका एज इट इज खुल गया, किस्मत की बात है ना। तो 8 CR − 1 4/3 की पावर में R − 1, ठीक है। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक पावर कम है, यहाँ पे एक पावर ज्यादा है, तो ये 4/3 छोड़ जाएगा। फिर यहाँ पे 8 CR को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 8 × R·8 − R² (4/3), दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ×
आर माइनस वन का फैक्टोरियल और एट माइनस आर प्लस वन, एट माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ये एट फैक्टोरियल, एट फैक्टोरियल उड़ा दो, आर माइनस वन पूरा उड़ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आर रह जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये नंबर अगर लफड़ा है ना, तो ये नंबर लफड़ा प्लस वन है, नहीं आया समझ में, फिर से देखो ना, ये अगर लफड़ा है, एट माइनस आर है, तो ये एट माइनस आर प्लस वन है, तो अगेन लफड़े का फैक्टोरियल तो पूरा कट जाएगा, प्लस वन में ये बस नंबर रह जाएगा, तो वॉट विल बी रिमेनिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी 4/3 आर, 4/3 नीचे वाला आर बचा हुआ है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मत रो देना कि सर कैसे किया, खुद से कर लो, फंस जाओ ना खुद से कर लो, ठीक है। हमारे टीचर तो मार देते हैं कि चुपचाप खुद से करो। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आर एच एस में क्या आ जाएगा, वन अपॉन एट माइनस आर प्लस वन, ठीक है। कैन वी सॉल्व दिस आइडेंटिटी, आई थिंक वी कैन। ये क्या लिखा है, ये नाइन माइनस आर ही तो लिखा है, अरे 8 प्लस 1 9, 9 माइनस आर लिखा हुआ है, तो चलो इसको थोड़ा सा अच्छा दिख बनाया अपने। अब मेरे को इतना पता है कि ये जो आर है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, आपको भी बता होना चाहिए चीज, भाई मेरे आर क्या है, ये टी आर प्लस 1th टर्म है ना, तो टी आर प्लस 1th टर्म में आर कभी भी नेगेटिव होता है, नहीं होता ना, जीरो भी नहीं होता है आर तो, हाँ जीरो हो सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आर कैन बी जीरो क्योंकि टी वन आ जाएगा उससे, बट नेगेटिव नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है, इनइक्वालिटी याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा, आप कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, 4 9 इनको करो, 4 9 36 माइनस 4 आर, सिर्फ कैलकुलेशन चल रही, मजदूरी दिमाग लगाने का काम कर चुके अपन, 3 आर, तो यहां से अपने पास आ जाएगा 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आर, और यहां से आ जाएगा आर इज लेस देन इक्वल टू 36/7, ठीक है। 36/7 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, और r इज लेस देन इक्वल टू 7 5 35 1, 7 7 7 4 28, तो ये आ जाएगा r बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 5.14 समथिंग, ऐसा कुछ आएगा ना, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, हो सकता है कि नंबर वैसे तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, डिनोमिनेटर में जैसे ही 7 दिख जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, 10th क्लास में पढ़ाया था आपको एक्सरसाइज 1.4, तो ये नंबर चलता चला जाएगा, बट फिर भी अपन ने क्लोज ब्रैकेट लगाया, ठीक है। यहां तक अपना कुछ आंसर आया है, अब इस आंसर को समझने में ना बहुत दिमाग लगेगा, प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे ना भाई, सबसे आखिरी चैप्टर होगा प्रोबेबिलिटी अपना, आज 6 बार स्क्रीन ड्रॉप हुआ है ना, फ्रेम ड्रॉपिंग हुई है 6 बार, आप लोग वो टेंशन मतलब कि कब कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, सब कुछ डिजाइंड है भाई, है ना, नेक्स्ट ईयर मतलब क्लास 12th में पढ़ेंगे। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि r का वैल्यू जो है वो माइनस इंफिनिटी से 5.14 तक वैलिड रहेगा, मतलब जब r का वैल्यू इस रेंज में रहेगा तब टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर सेटिस्फाई होगा, मतलब ये आंसर जो आया था वो किसके लिए आया था, वो इस इनइक्वालिटी के लिए आया था, ये वाली इनइक्वालिटी के लिए आया था, है ना। देखो इधर फिर से देखो, ये वाली जो इनइक्वालिटी थी इसको अपन ने सॉल्व करा, तो ये आंसर आया आपके पास कि आर जो है वो 5.14 5.14 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, मतलब जब जब r इस रेंज में लाई करेगा तब तब ये इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मेरे तो टीचर जो जो चीज बोलते थे और मेरे को अच्छा लगता था मैं उसको हिंदी में लिख लेता था, बिकॉज एक्सप्लेनेशन आपके पास फ्लूइड होना चाहिए जब भी आप रिवाइज करो, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने, जब जब r का वैल्यू इस रेंज में फॉल करेगा तब तब ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू कहलाएगी, यही कहना चाह रहे ना, ठीक है। तो हमने बोला कि r का वैल्यू क्या हो सकता है, वैसे तो बहुत सारे आंसर आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से 5.14 तक तो बहुत सारे आंसर आ जाएंगे, सुन रहे हो, अच्छा, लेकिन उसमें से अपने पास फिजिबल आंसर होने चाहिए, मीनिंगफुल वैल्यूज ऑफ r, मीनिंगफुल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो सकती है वो देखते हैं अपन, मीनिंगफुल वैल्यूज ऑफ r, देखो मीनिंगफुल वैल्यूज ऑफ r क्या हो सकती है, आपको पता है यहाँ पे r का वैल्यू आप जीरो रख सकते हो क्योंकि उससे t1 आएगा, है ना, तो t1 is greater than equal to t
यहाँ पे जीरो रख दो, आर का वैल्यू जीरो रखा तो ये आ जाएगा। अच्छा, मीनिंगफुल वैल्यूज ऑफ आर जो हो सकती है ना, वो ये हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यूज। आप जीरो रख सकते हो बेटा, माइनस वन रख सकते हो क्या आर का वैल्यू? नहीं, इधर देखो तो सही, माइनस वन रखने पे यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना, जीरो आ जाएगा टी जीरो। इनफैक्ट आप जीरो भी नहीं रख सकते क्योंकि फिर यहाँ पे टी जीरो आ जाएगा। टी जीरो कुछ होता ही नहीं ना, जीरो टर्म होता ही नहीं है इसमें कुछ। कैसी बात कर रहे हो, जीरो टर्म होते नहीं, टी वन से स्टार्ट करते हैं अपन। बेटे प्रणव शांति तो रखो, बता रहा हूँ ना वही चीज मैं बता रहा हूँ, कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट है, शांति रखो एकदम, ठीक है? कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट है, अरे वही समझा रहा हूँ मैं अभी। देखो इधर तो आर के मीनिंगफुल वैल्यूज कौन कौन से आए, वन, वन रखने पे यहाँ पे टी टू आ जाएगा, यहाँ पे टी वन आ जाएगा, चलेगा। टू भी रख सकते हो आप, थ्री भी रख सकते हो, फोर भी रख सकते हो, फाइव भी रख सकते हो, आर के इंटीग्रल वैल्यूज ही रखोगे ना यहाँ पे। अपना आंसर तो भले ही इतना बड़ा आया है लेकिन उसमें रखोगे तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज, और वो भी फाइव से छोटी। फाइव भी रख सकते हो, सिक्स नहीं रख पाओगे क्योंकि वो 5.14 से बड़ा हो जाएगा। तो यहां तक अपने मीनिंगफुल वैल्यूज आ रहे हैं। अच्छा ध्यान से देखो आगे, हर कोई अब लिखना छोड़ दो, यहां से आप लिखना छोड़ दो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा टर्म सबसे बड़ा आया है, कौन सा टर्म सबसे बड़ा आया। जब आपने वन रखा तो यहाँ पे क्या आएगा इस इनक्वालिटी में, देखो ना, यहाँ पे आर की जगह वन रखो तो टी वन प्लस वन मतलब टी टू, और आर एच एस में क्या आ जाएगा, टी वन आ जाएगा, टी टू ग्रेटर देन इक्वल टू टी वन, ठीक है? वन रखा अपन ने, फिर टू रखेंगे। देखो ये सारी मीनिंगफुल वैल्यूज है तो सब रखना पड़ेगा, रख के देखते हैं। टी टू रखा अपन ने तो टी टू, टू प्लस वन मतलब थ्री, टी थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू टी वन, ठीक है? आर का वैल्यू आप थ्री रखो, थ्री रखोगे तो क्या आ जाएगा, थ्री प्लस वन मतलब फोर, टी फोर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर भी थ्री रखोगे तो टी थ्री आ जाएगा। तो सर ये कब तक करना है? अरे करो, जब तक आप, जब तक सारी मीनिंगफुल वैल्यूज ना रख दो तब तक करो आप, है ना? फिर आप फोर रखो यहाँ पे तो टी फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू टी फोर, यहाँ पे टी फोर आ जाएगा ना। फिर फाइव रखो तो टी फाइव प्लस वन मतलब सिक्स, टी सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टी फाइव, ठीक है? अब आप लिखना छोड़ दे क्योंकि फाइव से ज्यादा तो आप सिक्स तो रख नहीं सकते, सिक्स तो आप रख नहीं सकते। अब लिखना छोड़ दो वरना फिर मेरे से डाउट पूछोगे बाद में, है ना? बाद में डाउट पूछोगे तो बहुत दिमाग खराब होगा मेरा, इसलिए अभी समझ लो। ये चीज क्या बोल रही है कि टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, है ना? और ये चीज बोल रही है कि नहीं, अच्छा यहाँ टू आएगा, सॉरी, यहाँ पे आपने टू रखा होगा ना, तो टू प्लस वन थ्री, और यहाँ पे टू रखा होगा तो टी थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू टी टू। आपने आई होप लिखना छोड़ दिया होगा वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? यहाँ पे सेकेंड टर्म ने बोला किससे, फर्स्ट टर्म से, कि मैं तुझसे बड़ा हूँ। क्या बोला? मैं तुझसे बड़ा हूँ। एकदम से टी थ्री आया, बोले ओ हेलो हम तुमसे बड़े हैं, है ना? तो टी टू यहाँ पे अब उदास, टी टू का चांस तो खत्म क्योंकि टी टू से बड़ा टर्म तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो टी टू कैन नॉट बी द ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है? अभी टी थ्री जो है ना वो एकदम चौड़ में है कि भाई मैं ग्रेटेस्ट टर्म तो हो सकता हूँ। फिर एकदम से टी फोर आया, बोले कि ओ हेलो भाई मैं तुमसे बड़ा हूँ, ठीक है? तो टी थ्री का भी खेल खत्म क्योंकि टी फोर उससे बड़ा आ गया एक, है ना? अभी टी फोर चौड़ में है कि नहीं भाई, हो सकता है कि मैं ग्रेटेस्ट हूँ, लेकिन उसको पता नहीं है कि आगे वाली इनइक्वालिटी उसको फिर से छोटा कर देगी। टी फाइव आया, उसने बोला कि ओ भाई साहब टी फोर तुमसे बड़ा तो मैं हूं, तो इसका भी खेल खत्म, टी फोर कैन नॉट बी द ग्रेटेस्ट टर्म नाउ, ठीक है? टी फाइव अभी खुश कि यार, अच्छा इनकी खुशी खत्म हो गई ना, ये खुश है अभी कि अभी शायद मैं ग्रेटेस्ट टर्म हूं। लेकिन फिर टी सिक्स आता है, वो टी फाइव को बोलता है ओ भाई निकल, है ना, पहली फुर्सत में निकल, मैं बड़ा हूं सबसे। टी सिक्स अभी सबसे बड़ा है अपने पास, तो सबसे बड़ा अभी तक टर्म जो आया है वो कौन सा है, टी सिक्स आया है। टी सिक्स को कोई भी ओ हेलो बोलने वाला नहीं है, टी सिक्स अब सबसे बड़ा हो गया। इतनी मेहनत लगती है एनजीटी निकालने में, ठीक है? वही मैं बता रहा था आपको, आप एकदम इम्पेशेंट हो जाते हो कि कौन सा है ग्रेटेस्ट टर्म। समझो तो सही पहले प्रोसेस को, हमने किया क्या है स्टार्टिंग में, वो सब ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको। मीनिंगफुल वैल्यूज ऑफ आर निकाला, फिर हमने देखा यहाँ पे जितने भी पॉसिबल इनइक्वालिटीज हो सकती थी वो सारी लिखी, उसमें हमने दिमाग लगाया। भाई सीधी सी बात है ना यार, तीन लोग है अगर, कि राम श्याम घनश्याम, राम श्याम से बड़ा है और श्याम घनश्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है और श्याम घनश्याम से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया अपन आराम से बता सकते हैं। राम श्याम से बड़ा है और श्याम घनश्याम से बड़ा है, तो सबसे बड़ा राम हो गया ना, मतलब उसी तरह का कुछ सीक्वेंस चल रहा है। टी टू टी वन से बड़ा है लेकिन टी थ्री टी टू से बड़ा है, फिर टी थ्री से बड़ा टी फोर है, उससे भी बड़ा एक नंबर है। आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म यहां से टी सिक्स आ जाएगा, सो इट क्लियरली इंप्लाइज दैट टी सिक्स
इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मुझे पता है कि यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े डाउट्स आएंगे, एक बार में पूरा क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप लिख के रखिए कम से कम पहले। T6 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। स्टार्टिंग से देखिए अपने क्या क्या था। स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि आप जो भी टर्म को बड़ा मान रहे हो उसको लिख दो TR+1, और जस्ट ये लिख दो कि वो TR से तो बड़ा हो गई होगा, अपने जस्ट पहले वाले नंबर से बड़ा हो गई होगा, है ना। तो आप है ना सीक्वेंस में चलते चले गए, फिर आपके पास R के कुछ वैल्यूज आए, R के ये सारे वैल्यूज आए, उसमें से मीनिंगफुल वैल्यूज ये वाले आए। मीनिंगफुल वैल्यूज मतलब इन सारे वैल्यूज के लिए ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू होगी, है ना। आई रिपीट कि इन सारे मीनिंगफुल वैल्यूज ऑफ आर के लिए ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू होगी। तो इस इनइक्वालिटी में अपन ने 1 रखा, 2 रखा। वैसे तो आपको डायरेक्ट समझ जाना चाहिए था कि यार लास्ट वाला जो वैल्यू होता है ना वही आंसर होता है। वो तो अपन ने स्टार्टिंग में, अपन बच्चे थे तो अपन ने एक एक करके देखा, आगे से अपन जो सबसे आखिरी वाला वैल्यू वो रख देंगे, T6 greater than T5, क्योंकि यही सबसे बड़ा बाप इनइक्वालिटी है। T5 तो अब सबसे बड़ा हो ही जाएगा। R की वैल्यू देखो अद्वैत में 0 रख देता, लेकिन ना देखो R का वैल्यू 0 रख देता मैं। इधर देखो प्लीज, R का वैल्यू 0 रखना लगता है कि सही है। देखो यहाँ पे अपन ने 0 रखा होगा तो क्या आ जाएगा, T0+1 मतलब T1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T0। T0 नॉनसेंस होता है ना, 0th टर्म कुछ होता ही नहीं है, T0 नॉनसेंस होता है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, T0 जब होते ही नहीं है तो वाई शुड आई बॉदर। अगर आप लिखते हुए तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता, बात तो वही आ जाती है। अच्छा इससे एक मीम बना सकते हैं, देखो है ना मेरे को मीम बनाना काफी पसंद है, लेट अस क्रिएट अ मीम। तो इसमें हो क्या रहा है, आई विल डू समथिंग आउट ऑफ इट। NGT देखिए, हो ये रहा है कि आई बिलीव यहाँ पर पिंक लगाऊं या वाइट, वाइट चलेगा। ये आया T1 है ना, T2 आया पीछे से, ओ हेलो हम बड़े हैं, है ना। फिर पीछे से T3 आया, ओ हेलो हम बड़े, ठीक है। यहाँ पे T1, T2, T3, पीछे T4 और T5 भी होंगे जो कि बने नहीं है, तो आई विल जस्ट क्रिएट देम, है ना। और यहाँ पर खड़ा है सबका बाप T6, ठीक है। तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा हो गया, T6 हो गया। समझ में आ रहा है ना सीक्वेंस क्या चल रहा है। तो आपको हमेशा लास्ट वाला जो R का वैल्यू है, R का वैल्यू 5 रखने पे T6 आया है, तो लास्ट वाला जो R का वैल्यू है बस उसी को रखना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप कॉपी डाउन कर लीजिए, मीम मत बना लेना। चलो आगे बढ़ते हैं ना। विवेक आप कह रहे हो कि आपने कि YouTube पे कुछ देखा, वो डबल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आपने कुछ और देख लिया होगा। डबल इनइक्वालिटी भी होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। तो आपने क्वेश्चन हो सकता है कि दूसरा देख लिया हो, लेकिन उसका तरीका यही रहेगा। आगे बढ़ा जाए, क्या बोलते हो? अगर किसी ने, अच्छा रुक जाओ, डाउट्स आप लोगों के ये वाले डाउट्स पहले देख लो, स्क्रॉल कर देता हूं मैं 10 सेकंड, ये स्क्रीन रहेगी आपके सामने 10 सेकंड, फिर मैं स्क्रॉल कर दूंगा। लेट मी जस्ट रीड। सर तो हर बार आर की वैल्यू जो भी आएगी वो +1 होगी इन जनरल। हाँ उसका रीजन ये है बेटे कि हम TR+1 पढ़ते हैं ना, TR नहीं पढ़ते हम, TR+1 पढ़ते हैं। और इनइक्वालिटी ये लिखना है आपको हमेशा, स्टार्ट यहीं से करना है। तो वो +1 अपने आप हो गई, ठीक है, हो गया 10 सेकंड उसका, लिख लिया। अच्छा ये लिखो अब यहाँ, तो ये सेक्रेट गेम्स का पोस्टर, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो किसका पोस्टर है वो, बट आई हैव सीन दिस मीम, लाइक कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में मैंने ऐसे मीम्स देखे। ऐसे में बहुत सारे मीम्स बना सकता हूं।
एक और मीम बनाऊं क्या? चलो देखते हैं अपन। पहले यहां तक लिखो आप। अच्छा अगला क्वेश्चन है, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस डिजिट्स वगैरह जो मैंने बदल दिए वो है। हम लोग एक और मीम बना सकते हैं, कोशिश करते हैं ना। यार देखो, एक तो मेरे को ना टाइम वेस्ट करने की बहुत आदत रही है बचपन से। बेटे आ जाओ। हाँ आ गया आ गया। ओके ठीक है। देखो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो हर कोई नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज द सबसेट, या फिर नेचुरल नंबर का सुपरसेट होल नंबर हो सकता है। होल नंबर का सुपरसेट कौन हो सकता है? ऑल द इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स को वैसे तो जेड से बोलते हैं अपन, तो मैं इसको ना जेड बोल देता हूँ। ठीक है, तो क्या चला अपने पास? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सुपरसेट हो गया होल नंबर, होल नंबर का सुपरसेट हो गया ऑल द इंटीजर्स। ऐसे अपन आगे बढ़ा सकते हैं, एक दो लोगों को और बिठा देते हैं। तो इंटीजर्स हो गए ना, इंटीजर्स का भी सुपरसेट कौन हो सकता है? रियल नंबर्स, लेट अस कीप इट इजी। और रियल नंबर्स के बाद वैसे तो मैं रैशनल नंबर भी यहां पे डाल सकता था, बट ठीक है। लेकिन सबका बाप कौन होता है? सबका बाप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर ही सब आते हैं ना, तो ऐसे आप ये भी याद रख सकते हो। हम लोग काफी लंबे सेट्स लिख सकते हैं यहाँ पे ना, बनाने को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा था। चलो यार बहुत बकवास हो गई, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद से आराम से कर सकते हो। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना बहुत आसान है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, ठीक है? फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ 3 - 2x की पावर में 4 फॉर x इज इक्वल टू 1। ट्राई करोगे? करो। T6 बी लाइक एवरीवन इज सर आप पेज खोल दो इंस्टाग्राम पे। यार खोल तो मैं दूंगा, लेकिन क्या है ना कि फॉलोअर्स एकदम से नहीं बढ़ पाते ना, अनलेस एंटिल पता नहीं कुछ जादू चमत्कार ना हो जाए। बट फिर भी आई विल ट्राई टू डू समथिंग। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा एक बात का ध्यान रखना आप लोग, है ना, मैं आपको एक चीज फील करा देता हूं। यहाँ पे देख लो, है ना, मीम्स वगैरह तो सब साइड में है। T6 सबसे बड़ा हो गया है, इसका मतलब क्या है ना, देखो 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 इधर, प्लीज 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 आगे देखो। ये T1 रहा होगा, T1 से बड़ा T2 रहा होगा, T2 से बड़ा T3 रहा होगा, T3 से बड़ा T4 रहा होगा, T4 से बड़ा T5 और T5 से बड़ा T6 रहा होगा। अब चूंकि T6 सबसे बड़ा है ना, तो इससे बड़ा कोई होगा नहीं, फिर T6 से छोटा ही आएगा कोई नंबर। आ रही बात समझ में? T7 जो नेक्स्ट टर्म रहा होगा वो T6 से भी छोटा होगा, तो वी नो दैट कि T6 जो होगा ना वो हिल टॉप पे बैठा होगा। फिर T8 T9 T10 T11 मतलब ऐसे करके आपके पास सीरीज चल रही होगी, जो T6 होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो जब आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म अगर आपको करना है, तो आप हमेशा ये वाला तरीका लगाएंगे, सॉरी फॉर स्क्रोलिंग, ये वाला TR+1> TR हमेशा। और इससे आपको है ना कंटिन्यूअस वो मीम जैसा आपको मिलेगा कि अगला वाला और बड़ा, फिर अगला वाला और बड़ा, ऐसे ऐसे करके जो लास्ट में गैंगस्टर होगा वो मिल जाएगा आपको। आ रही है बात समझ में, है ना? ठीक है, ये आपको कब करना है? जब आपको NGT निकालना हो। कुछ क्वेश्चंस में आपको NGT पहले से दे दिया जाएगा। NGT अगर पहले से दे दिया, अगर आपको बोलता कि T6 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो आप क्या बोलते कि T6 जो होगा वो T5 से भी बड़ा होगा और उसके जस्ट बाद T7 उससे भी बड़ा होगा। हम लोग देखेंगे इस बात को, आगे देखेंगे।
चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो आप क्या बोलो, लेट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बी टी आर प्लस वनथ टर्म। और अगर टी आर प्लस वनथ टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो वो अपने जस्ट पहले वाले टर्म से बड़ी होगी। दिस इज सफिशियंट ना, दिस इज नेसेसरी इन सफिशियंट, क्योंकि इससे होगा क्या ना कि गैंगस्टर वाला मीम बन जाएगा, आपको इसके कुछ ना कुछ आंसर मिलेंगे, और फिर वो मीम के थ्रू अपने को फाइनली एक गैंगस्टर लास्ट में मिल ही जाता है, सबका बाप। तो दिस इज सफिशियंट, मॉड लगा दो, मॉड तो डेफिनेटली अपन लगाएंगे। तो टी आर प्लस वन एथ टर्म, अच्छा ये फोर बाहर होगा यार, आई एम सॉरी, मिस्टेक हो गया ना, मैंने फोर बाहर होगा, यस आप लोग समझ गए, अच्छी बात है। तो आर प्लस वन एथ टर्म क्या हो जाएगा, फोर सी आर, और थ्री की पावर में फोर माइनस आर, और क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स। अच्छा यहाँ पे एक्स की जगह वन रखना है आपको ना, तो ध्यान रखें माइनस टू एक्स मतलब माइनस टू की पावर में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्लियर है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर, टी आर लिख देंगे। अच्छा टी आर लिखते आता है आप लोगों को, किसी को फड़फड़ाहट तो नहीं होती है ना, देखो इधर इधर देखो, आर माइनस वन प्लस वन ऐसा लिख दो उसको ना। तो अब यहाँ पे टी मसाला प्लस वन क्या हो जाएगा, एन सी मसाला मतलब आर माइनस वन, थ्री की पावर में फोर माइनस आर प्लस वन और माइनस टू एक्स की पावर में क्या आ जाएगा, आर माइनस वन आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी अपने को सॉल्व करना है, आराम से कर सकते हैं ना, ये तो एक ही टर्म है। अच्छा नहीं, वो मैंने टी थ्री होगा एन जी टी ऐसा आप कह रहे हो क्या, नहीं गलत है ना, गलत है। देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, खोल दो इसको, फोर सी आर को फोर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और फोर माइनस आर का फैक्टोरियल, फिर ये आ जाएगा थ्री की पावर में फोर माइनस आर। फिर यहाँ पे आ जाएगा फोर फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल और फोर माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा थ्री माइनस थ्री अब की पावर में फोर माइनस आर प्लस वन, और ये एक्स की जगह वन डालो ना यार, है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस टू की पावर में आर माइनस वन। काटा पीटी तो मचा सकते हैं अपन ना, कोई दिक्कत नहीं, फोर फैक्टोरियल कट जाएगा, ये आर माइनस वन का पूरा फैक्टोरियल कटेगा और सिर्फ आर रह जाएगा यहाँ पे। ये देखो ना, ये अगर लफड़ा है तो ये लफड़ा प्लस वन है, आ रही बात समझ में, तो ये लफड़ा फैक्टोरियल तो पूरा कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ नंबर रह जाएगा, इतना अपने को आता है समझ में, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे पावर में अगर कद्दू है तो यहाँ पे कद्दू प्लस वन है, तो ये पूरा कट जाएगा और ये लास्ट में बस थ्री रह जाएगा, यार इतना आना चाहिए ना। ये देखो फिर से, अगर ये कद्दू है पावर में तो यहाँ पे कद्दू प्लस वन है, तो कद्दू वाला पावर तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा ना, पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बस माइनस टू रह जाएगा। ओके, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर जस्ट लेफ्ट विथ माइनस टू ऑन द राइट हैंड साइड एंड मे बी आर, नीचे आर बचा हुआ है, इसका ध्यान रखें, माइनस टू अपॉन आर। ओके दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर एच एस में क्या बचा है, यहाँ पे थ्री बचा है और ये वाला फोर माइनस आर प्लस वन, थ्री अपॉन फोर माइनस आर प्लस वन, ठीक है। ओ यार आप लोग है ना, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे पावर में नाइन कर लो, है ना, आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ पे पावर में नाइन कर लो आप, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, आपका आंसर जो है वो ऑल्टर हो गया होगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे बस फोर के दुनिया में जहाँ जहाँ फोर है वहाँ वहाँ नाइन कर लो आप। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, ठीक है, अगेन मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे नाइन कर लो, फोर कर देंगे तो भी आंसर आएगा लेकिन मजा नहीं आएगा आंसर में,
जो मेरे को सिखाना है वो मैं सिखा नहीं पाऊंगा, अदरवाइज मैं 4 से भी सिखा देता, मेरे को 9 से ही सिखाना है, ठीक है? क्योंकि 4 में टर्म्स ही 5 आएगी ना, तो मजा नहीं आएगा अपने को। कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस 4 की जगह 9 कटेगा, तो सब कुछ उसी फैशन में ना, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। यहाँ पे भी कद्दू कद्दू +1 रहेगा, तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज, डोंट वरी। तो 9 + 1 ये कितना आ जाएगा, 3/10 - r, और यहाँ पे आ जाएगा -2/r। हाँ आपका आंसर बराबर रहा होगा, है ना? जरूर, क्योंकि फिर क्या होता है, जनरली बीच वाले टर्म ही आते बड़े, बस एग्जैक्ट मिडिल वाला नहीं होता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अच्छा ये देखो ये क्या लिखा, माइनस है ना, मॉड क्या करेगा, माइनस को खा जाएगा, क्योंकि ये आर तो पॉजिटिव होता है, टू भी पॉजिटिव है, तो जब ये मॉड के बाहर निकलेगा तो माइनस हट जाएगा, ठीक है? नेगेटिव के लिए मॉड क्या विद नेगेटिव साइन खुलता है ना, तो ऐसे सोच लो विद नेगेटिव साइन खुल जाएगा, और यहां पर एज इट इज खुल जाएगा बिकॉज दिस इज ऑलरेडी ए पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये माइनस कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे। नाउ वी कैन इजिली क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो यहां से आ जाएगा आपके पास 5r इज लेस देन इक्वल टू 20, तो r इज लेस देन इक्वल टू 4, r इज लेस देन और इक्वल टू 4 ये आ जाएगा। तो मीनिंगफुल वैल्यूज ऑफ r क्या आ जाएगी, मीनिंगफुल वैल्यूज ऑफ आर आ जाएगी, जीरो मत लिखना है ना, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता, मतलब आर लेस देन इक्वल टू 4 का आप ऐसे लिख सकते हो, आर बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 4, ये अगर आर का वैल्यूज हुआ तब जाके ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू होगी, है ना? तो अब आराम से लिख सकते हो ना आर की मीनिंगफुल वैल्यू, जीरो मत लिखना, 1, 2, 3 और 4 भी चलेगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, 5 मत लिख देना, तो अपने को पता है ये 4 वाला आंसर होता है, ठीक है? तो T5 इज द ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली, T5 ग्रेटर देन इक्वल टू T4। आप इसमें वही गैंगस्टर वाला एप्लीकेशन लगा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो T5 सबसे बड़ा टर्म आएगा, हमने चेक करा T5, हमने चेक करा T5, T5 क्या आ जाएगा, 9C5 इंटू 3 की पावर में 4 और -2x की पावर में क्या आ जाएगा, 5। अच्छा x की जगह 1 रखना है अपने को, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ रहा है। लेकिन क्या हुआ ना, क्या हुआ कि एकदम से साक्षात भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने मेरे को बोला कि यार T4 भी सेम आ रहा है, भगवान ने मेरे को बताया कि T4 भी सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी लगी थी ना, तो अपना अपना हक बनता था, अपना कर्तव्य था कि अपने को T4 भी चेक कर लेना चाहिए था। अच्छा ये कर्तव्य सर पिछले क्वेश्चन में कहाँ गया था, पिछले क्वेश्चन में भी तो ये कर्तव्य होना चाहिए था ना कि आपने यहाँ पे T6 और T5 का टर्म जो है, वैल्यू जो है वो चेक किया होता। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, डोंट वरी, मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जस्ट ऐसी मस्ती मजाक में T4 का वैल्यू मैंने निकाल दिया। NC4 देखिएगा ध्यान से ना, NC4 9C4 3 की पावर में क्या आ जाएगा, 9 - 4 दैट इज 5। अच्छा, हाँ ठीक है, आर की वैल्यू में 3 की पावर में 9 - 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 की पावर में क्या आ जाएगा, 4। जब हम लोग चेक करेंगे ना 9C5 और 9C4, इन दोनों का वैल्यू बराबर आता है। T5 और T4 का वैल्यू बराबर आता है। T4 निकालने के लिए यहाँ पे 9C3 होना चाहिए क्या? एक मिनट है ना, एक मिनट रुक जाओ। T5 को क्या लिखेंगे अपन? गलती हो गई ना, देखो T4 + 1 लिखेंगे, यहाँ 9C4 आएगा, यहाँ पे 9 - 4 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, ओके? और T4 को अपन क्या लिखेंगे? T3 + 1। जल्दबाजी में क्या गलती हो जाती है इंसान से, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। आप लोगों का आंसर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बस आंसर में एक एडिशन आ जाएगा, T5 सबसे बड़ा होना चाहिए था, है ना? लेकिन यहाँ पे T5 और T4 का वैल्यू सेम आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है, तो सर क्या सपना आएगा अपने को हमेशा?
क्या अपने को हमेशा सपना आएगा कि दो दो एनजीटी आ रही है या एक एनजीटी आ रहा है? नहीं, सपना नहीं आएगा, उसका एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे तो अपन ने बस ऐसे ही ऐसी मस्ती मजाक में T4 चेक करके देखा, तो ये 9C4 करके देख लो आप, है ना, दोनों को सॉल्व करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इसका जो भी आंसर आएगा और इसका जो भी आंसर आएगा एग्जैक्टली सेम आएगा। अपने पास टाइम नहीं है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, आप करना, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो T5 और T4 बराबर आ गए, और ये दोनों टर्म्स जो है वो सबसे बड़े, मतलब बाकी टर्म से तो बड़े है ही, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अपने पास दो आ जाते हैं, इस केस में दो आ रहे हैं। अच्छा, सब कुछ समझ में आ गया सर, यहां तक तो सब कुछ समझ में आ ही रहा था कि T5 इज द ग्रेटेस्ट, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपने कंफ्यूज कर दिया कि T5 और T4 दो दो ग्रेटेस्ट टर्म आ रहे हैं। चलो वो भी हमने मान लिया कि आ रहे हैं, लेकिन कैसे हर बार के अपने को दो चेक करना पड़ेगा? उसका एक ट्रिक होता है, उसका एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ट्रिक ये होता है कि जब भी आपके पास ये आर की इनइक्वालिटी खूबसूरत आ जाए ना, जैसे चार आ गया, चार एक खूबसूरत नंबर है, तो खूबसूरत इनइक्वालिटी में दो आंसर आते हैं। पिछले बार इनइक्वालिटी में क्या आया था? पिछले बार इनइक्वालिटी में आया था 36/7 या 5.14, नॉन इंटीग्रल है ना। नॉन इंटीग्रल आएगा तो आपके पास एक ही एनजीटी आएगा, ओनली वन गैंगस्टर, ओनली वन गैंगस्टर, ठीक है। और इस केस में आपके पास दो दो गैंगस्टर हो जाएंगे, T5 एंड T4 बोथ। ध्यान रखना इस चीज का, जब भी आपके पास इनइक्वालिटी में इंटीग्रल या जैसे आर लेस देन इक्वल टू 4 आ गया ना, जो राइट मोस्ट नंबर है वो अगर इंटीग्रल आ जाए, तो आप समझ जाना कि दो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगी, ठीक है। इसको आप लिख लो, ये बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट है ना। इसको आप ट्रिक भी कह सकते हो, क्योंकि ये एकदम साफ तौर पे ये ट्रिक है। क्या लिखोगे? व्हेनेवर वी गेट आर लेस देन इक्वल टू 4 टाइप, इनइक्वालिटी विल गेट टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, टू एनजीटीज, और वेन एवर वी गेट आर लेस देन इक्वल टू 36/7 टाइप का इनइक्वालिटी, है ना। चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख दो कि ये खूबसूरत है, ब्यूटीफुल इंटीग्रल है ना, यहाँ इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर लिख लो, और ये नॉन इंटीग्रल अगर आ गया तो वी विल गेट ओनली वन एनजीटी। ऐसा हमेशा होगा, ऐसा हमेशा होगा। नहीं, हर बार दो आएगी जरूरी नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा आपका इनइक्वालिटी कैसा है, ठीक है। कई बार दो आ जाती, कई बार दो नहीं आती है ना, वो तो यार देखो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 रखा है, आप एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए पूछते ना तो कुछ और आंसर हो जाता, 3 के लिए पूछते तो कुछ और आंसर हो जाता, हो सकता है तब एक ही आंसर आता, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक्सटेंड तो करना ही पड़ेगा हमको, है ना, वरना आज का लेक्चर अधूरा रह जाएगा। विवेक, जो डबल इनइक्वालिटी वाली आप बात कर रहे थे ना, वो टाइप ही अलग होता है। अभी तक नहीं, आप लोग जो है अभी तक लिख चुके हैं यहाँ तक, क्योंकि मैं जो आगे बोलने वाला हूँ ना वो आपको सुनना जरूरी है, और आप लिखते लिखते सुन नहीं पाओगे। सुन रहे हो ना पक्का? चलो एक कोपचे में एक चीज लिखता हूँ मैं आपके लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के और समझ में भी आ जाएगा। जब आपको एनजीटी निकालना हो, एनजीटी निकालना हो तो आप क्या करते हो? तब आप सिंपली ये सीरीज वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो कि भाई मैं तुझसे बड़ा, अरे मैं तुझसे बड़ा, अरे मैं तुझसे बड़ा, अरे मैं सबका बाप, एनजीटी निकालने के लिए इनफ है। लेकिन अगर आपको एनजीटी गिवन है, एनजीटी अगर आपको गिवन है कि भाई ये वाला टर्म जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो आपको क्या करना है उस केस में? आपको उस केस में आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है। विवेक कह रहा है कि मतलब इनइक्वालिटी खूबसूरत आई तो हमेशा दो होगी या पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है? नहीं, हमेशा दो होगी, लफड़ाई खत्म भाई। इनइक्वालिटी अगर खूबसूरत आया ना तो आंख बंद करके आप लिख दो, दो एनजीटीज आएगी, और एक तो आपके पास T5 आएगा ना, और उसके जस्ट पहले वाला वो भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, जस्ट पहले वाला, उसमें भी कोई लफड़ा नहीं है। अगर T5 एनजीटी है ना तो उसके जस्ट पहले वाला भी एनजीटी है, अगर इनइक्वालिटी खूबसूरत है तो खत्म।
गारंटीड 100% ऐसा ही होगा हमेशा हमेशा। ये बहुत 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 प्यारा ट्रिक है, आपको ये कोई किताब में नहीं मिलने वाला, चेक कर लेना, कोई किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, गिवन टी फोर इन द एक्सपेंशन, जनरली क्या होता है ना, जनरली लोग आपको या फिर बुक्स आपको ऐसा बोलेगी कि हमेशा आप क्या करो, टी फाइव अगर ग्रेटेस्ट आया ना तो जस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए टी फोर को चेक कर लो। ऐसा बोलेगा कि टी फोर को एक बार चेक करके देख लो यार, क्या पता वो भी बराबर आ जाए टी फाइव के। दोनों बराबर आ गए तो दोनों एक साथ बड़े हो गए ना, दोनों एक साथ ग्रेटेस्ट हो गए, ऐसा कहते हैं अपने को जनरली। बट आप क्या, मैं मेरी ट्रिक जो है उसको आंख बंद करके अप्लाई करें, आपके पास एक बार में आंसर आएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और जब जब खूबसूरत इनइक्वालिटी आती थी दो दो आंसर आते, हमेशा ऐसा हुआ, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, गारंटीड। बहुत कम लोगों ने ये चीज बताई है लेकिन अपने को इसको अप्लाई करना है। ठीक है, गिवन टी फोर इन द एक्सपेंशन ऑफ टू प्लस, अच्छा ये सब चीज तो चलो चलो सर समझ में आ रहा है अपने को, कब तक याद रहेगी, भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। तो याद भूल जाओगे ये, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, दैट इज अ रियलाइजेशन, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, किस टाइप का रिविजन करना है, अपने ब्रेन की औकात पता होनी चाहिए ना कि नहीं यार ये एक हफ्ते बाद इसको फिर रिवाइज कर लेंगे यार एक बार, है ना, फिर दो हफ्ते बाद एक बार और रिवाइज कर लेंगे। तो ये टॉपिक जो है इसको आप, है ना, आप आपके सामने एक नोटिस बोर्ड टाइप का बना के रखा करो टेबल में, या फिर स्टिकी नोट्स रखा करो अपने पास, उसमें लिख लिया करो कि रिवाइज दिस टॉपिक आफ्टर 8 days, या फिर डेट लिख लिया करो, या मोबाइल में गूगल असिस्टेंट को बोल दिया करो कि रिमाइंड मी टू रिवाइज NGT ऑन 7th of April, ऐसी रैंडम एक डेट बोल दिया। तो आपने उस उतने दिन बाद फिर से NGT रिवाइज किया, यार देखो मेहनत आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली करना पड़ेगा, क्योंकि समझ में सबको आता है, याद किसी को नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो आपको क्या बोल रखा है कि T4 given that भी लिख लेना, थोड़ा अंग्रेजी अच्छा लगेगा, given that T4 in the expansion of this has maximum numerical value, then find the range of x। आपको अब यहाँ पे x रखने को बोला नहीं था, आपको बोला x का range निकालना है। तो अब आपको बोल रखा है कि T4 greatest है, T4 in the expansion has maximum, तो अपने को क्या पता है कि T4 अगर greatest है ना, तो अपने को वो वाला काम नहीं करना है। कौन सा वाला काम, ये वाला काम नहीं करना है अपने को, ये वाला काम नहीं करना है अपने को ना, ये वाला काम तो अपने को क्लियरली बोल दिया कि T6 इज द गैंगस्टर, तो T6 इन सब गरीब लोगों से तो बड़ा हो गई होगा, और इनके बाद T7 आएगा, T8 आएगा, T9 आएगा, आएंगे ना, और उनसे भी बड़ा होगा, तो ये इनसे भी बड़ा होगा और इनसे भी बड़ा होगा, तो मेरे को इसमें ना डबल इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी। अब जब पता ही है कि T6 बड़ा है, तो T6 के जस्ट पहले कौन रहा है, T5, वो उससे बड़ा होगा, और T6 के जस्ट पहले T5 और जस्ट बाद में T7 है। आप क्या करो ना कि दोनों से बड़ा कर लो इनको। अगर आपको बोल रखा है कि T6 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो T6 यहाँ पे T4 बोल रखा है ना, तो T4 T3 से तो बड़ा हो गई होगा और T5 से भी बड़ा होगा, दोनों के ऊपर पाया जाएगा। तो व्हाट यू कैन से कि T4 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू होगा, वो T3 से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, वी कैन नॉट से, है ना। अच्छा, और इधर देखो देखो देखो, समझो, इतनी शानदार चीज बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ इनफ नहीं है, अगर T4 वाकई में सबका बाप है ना, तो T4 T5 से भी बड़ा होगा। ये पहले वाले गरीब लोगों से तो बड़ा हो गई होगा, बाद के गरीब लोगों से भी बड़ा होगा, तो आपको है ना इसको बोलना पड़ेगा कि T4 T3 से तो बड़ा है ही, लेकिन वो T5 से भी बड़ा है। ये बोलने पे आप इस बात की गारंटी हो गई है कि T4 सबका बाप है। ठीक है, T4 सबका बाप है, ये अपना अश्योर हो चुका है। तो आपको NGT गिवन हो तो बस ये डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है। अच्छा, मॉडुलस हर जगह आएगा, है ना। NGT अगर गिवन है, NGT अगर आपको बोल रखा है कि T4 इज द बाप ऑफ एवरीवन, तो T4 अपने से पहले वालों का भी बाप होगा और बाद वालों का भी बाप होगा, सिंपल सी बात है, ये तो गिवन है ना। आपको फिर वो करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। जब गिवन है कि ये सबसे बड़ा है, तो आपको दो कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो T3 से भी बड़ा है ना, और वो T5 से भी बड़ा है। ये कर दिया अगर आपने, तो इसका मतलब गारंटीड T4 जो है वो टॉप पर बैठा हुआ है और सब नीचे है। ये समझ में आ रहा है आपको, फील करना है ना, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। चलिए, तो अपन ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। अपने पास इंडेक्स जो है वो 10 है ना, और यहाँ पे लिखा 2 प्लस 3x बाय 8, तो मैं यहाँ पे T4 लिखूंगा।
देखो टी फोर क्या आ जाएगा, टेन सी थ्री, आ रहा है समझ में? मैंने एक गलती कर दी थी लास्ट क्वेश्चन में, वो गलती को सुधार रहा हूं मैं अभी। टेन सी फोर नहीं आएगा, टेन सी थ्री आएगा। टू की पावर में क्या आ जाएगा, टेन माइनस थ्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री एक्स बाय एट। इसकी पावर में क्या आ जाएगा बेटे, इसकी पावर में आ जाएगा थ्री। ठीक है, ये आ गया सबका बाप। अच्छा, टी थ्री लिख देता हूं मैं। टी थ्री क्या आ जाएगा, टेन सी टू, टू की पावर में एट, थ्री एक्स बाय एट की पावर में एट। ओ टू आएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन टी फाइव। टी फाइव मतलब टेन सी फोर, टू की पावर में टेन माइनस फोर, और थ्री एक्स बाय एट की पावर में फोर। सॉरी, बस ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो। डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करना मैंने आपको बचपन में सिखाया, पहले ये सॉल्व कर लो फिर ये सॉल्व कर लो, है ना? मतलब आप पहले ये सॉल्व कर लो कि टी थ्री इज लेस देन इक्वल टू टी फोर, या टी फोर टी थ्री से बड़ा है। बीच में एक एंड होता है, डबल इनइक्वालिटी में हमेशा एंड होता है ना, ये बहुत प्रेशियस चीज है बेटे। बीच में एंड होता है ना, मेरे को 2 महीने तक पता नहीं था, खुद से पता चला था सॉल्व करते करते कि अरे वाह बीच में एंड होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं खुद से। और दूसरी इनइक्वालिटी ये है, डबल इनइक्वालिटी में एंड होता है ना। ये दोनों सॉल्व कर लो आप, आपके पास जो भी आंसर आएगा उसका क्या लोगे आप, इंटरसेक्शन। इसके बाद बेटे मजदूरी है ना, तो मजदूरी आप लोग खुद से करो, मजदूरी आप लोग खुद से करो, बाकी का अपन कल करेंगे, क्योंकि आपका नेक्स्ट जो है वो केमिस्ट्री का लेक्चर है। आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। टी थ्री मैंने आपको लिखा हुआ है, टी फोर लिखा हुआ है, थोड़ा सा सॉल्विंग आपको करना पड़ेगा। इंडिविजुअल इनइक्वालिटी आप सॉल्व करें, ये वाली और ये वाली, फिर उनका इंटरसेक्शन निकाल के फाइनल आंसर दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपको एक्स का रेंज मिल जाएगा। नहीं, इक्वालिटी लगाना पड़ेगा विवेक, है ना? उन्होंने बोला है कि टी फोर इज द ग्रेटेस्ट, हैज द मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि इज द ओनली ग्रेटेस्ट। उन्होंने बोला है कि हैज द मैक्सिमम या इट इज द ग्रेटेस्ट, बट हो सकता है कि उसके पहले वाला टी थ्री जो है वो उससे बराबर हो, या ये भी हो सकता है कि टी फाइव बराबर हो। कई बार दो दो ग्रेटेस्ट आ जाते हैं ना, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इक्वालिटी लगाया अपन ने। अपने से ये नहीं बोला है कि इज दी ओनली मन ओनली मैक्सिमम या ओनली मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा नहीं कहा है उसने। ठीक है, तो आपको वो शक के दायरे में रख के इक्वालिटी लगानी ही पड़ेगी। इक्वालिटी लगाना बहुत जरूरी है, वरना आपने इक्वालिटी नहीं लगाया तो बिना इनइक्वालिटी, बिना इक्वालिटी के आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और एक एक ऑप्शन मिलेगा आपको इक्वालिटी के साथ वाला, तो आप गलत कर दोगे, है ना? टी फोर ग्रेटेस्ट है लेकिन ओनली ग्रेटेस्ट नहीं बोला है, तो अपने को उस चीज को ध्यान में रखना है, और अपने को वैसे भी एक्स का रेंज निकालना है। आप लोग सॉल्व करोगे, कल अपन मिलेंगे यहाँ से, है ना? अब आपका होमवर्क जो है वो मैं दे रहा हूँ, लेवल वन में आपको सारे एनजीटी के क्वेश्चन करने हैं। आप चाहे तो मैं टिक करके दे सकता हूँ, है ना? बट आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है अगला, तो ब्रेक कम रह जाएगा, तो आप लोग ढूंढ ढूंढ के करें, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कहाँ पर एनजीटी के क्वेश्चन है ना? ओके चलिए, हो सकता है आपने मैट्रिक्स मैच कर दिया हो। बाकी अपन कल लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल सीरीज और मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, आई सी यू टुमारो। थैंक यू एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।